इसी तरह हमारे मेहमान खुसूसी पप्पू भाई अमरावती, मैं इनके सत्कार के लिए शानू का हाथ दूंगा, वो आए और इनका सत्कार करें। और थालियों में कमी ना भाई, ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये शौक को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। ये इसमें हौसला अफजाई होंगी, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो शौक आगे बढ़ेगा।
इसी तरह शाहनवाज भाई के सत्कार के लिए मैं राजा का हाथ दूंगा, वो आया और इनका सत्कार करें। इसी तरह हमारे दोस्त अंकुश कलू, इनके सत्कार के लिए मैं समीर भाई को आवाज दूंगा, वो आया और इनका सत्कार करें। अंकुश कलू, इसी तरह हमारे राजीव भाई, इनके सत्कार के लिए मैं गोलू का हाथ दूंगा, वो आए और इनका सत्कार करें। जुबेर भाई, थाली में कमीना भाई, आमिर करेगा इनका सत्कार। अमरावती, इनके सत्कार के लिए मैं शोभू भाई जा कहीं भी स्टेट पे आए, इनके सत्कार के लिए मैं आशिक करेंगे इनके सत्कार। सत्कार हमारे अमीन भाई करेंगे। भाई तालियों में कमी ना हो। इसी तरह हमारे जावेद भाई का सत्कार अजीम भैया करेंगे। भाई तालियों में कमी ना। इसी तरह हमारे सोनू भाई तूफान, वो भी डेस्क के ऊपर तशरीफ लाए, इनका सत्कार सूरज करेंगे। इसी तरह लल्ला भाई से गुजारिश है, वो भी डाइस पे तरसीब लाए, मैं फैजान से गुजारिश करूंगा उनका सत्कार करें। भाई ताले में कमी ना हो। हमारे यूट्यूबर जग्गू दादा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि डाइस के ऊपर आ जाए। डाइस के ऊपर मैं इनके सत्कार के लिए अजीत भाई का आवाज दूंगा, इनका सत्कार करें।
તાળીઓ પણ નવી ના ભાઈઓ. ઇમરાન ભાઈ થી ગુજારી છે કે ડાઈસ કે ઉપર પછી ત્યાં ઇમરાન ભાઈ इसी तरह मैं रुजेर भाई से गुजारिश करूंगा कि स्टेज के ऊपर आ जाए और तौसीफ इतना सत्कार करें. इसी तरह से सत्कार समारोह जो है यहाँ पे खत्म होता है. आगे की कार्रवाई जो है वो स्पीच है, इसीलिए मैं शेर के साथ गुड्डू भाई को आवाज दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे. सजा भी खूब मिली तुझसे दोस्ती लगाने की, खटक रहे हम नजर में जमाने की. ये गुड्डू भाई के लिए. सजा भी खूब मिली तुझसे दोस्ती लगाने की, खटक रहे हम नजर में जमाने की. गमों की कोक में पलकर जवा हुए हैं हम, हमें तो गम में भी आता था मुस्कुराने की. गुड्डू भाई भाई एक शौक ऐसा है जो इंसान को जिंदगी से मजबूर कर देता है. आप लोग सब शौकीन ही बैठे हैं यहाँ पे कबूतर होते हैं, आपको तो पता होगा कि कबूतर सही है ना, अपने हद तक रखो तो ठीक है और हद के बाहर जाओ तो गलत है. पप्पू भाई कबूतर का शौक अपने हद तक रखो तो ठीक है पर हद के बाहर जाओ तो गलत है. इसीलिए कि कबूतर पालो और उनकी उतनी ओज भी करो, उनकी देखभाल भी करो. ऐसा ना करो कि कबूतर का शौक आता है दुकाने के अंदर तो उनको एक बना देख लो, बैठक खिलाओ, उड़द की दाल खिलाओ, मूंगी दाल खिलाओ, बादाम खिलाओ, ये खिलाओ. नहीं, साल भर उनको उतनी देखभाल करो जितनी अपनी महीने भर देखभाल करते हैं और उनको देखभाल करो, अच्छे से परवरिश करो. ये बोल के मैं अपने दो वक्त दो शब्द समाप्त. कुरान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता. लोग तो मिल जाते हैं मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह पप्पू भाई अनमोल नहीं होता. लेकिन आप पप्पू भाई को मनाने शुरू में दो सकोगे, ये हमारे बड़े भाई हैं पप्पू भाई. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कमेटी का जो मेरे को यहाँ तक के बुलाए. ग्रुप के सभी छोटे बड़े भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, जिसने सलाम किया वालेकुम सलाम. फिर दो ही लफ्ज बोलूंगा भाई, जीत की कभी खुशी ना मना और हार का कभी गम ना मना. और जीतने वाले को भाई गांधी कर कहते हैं. शुक्रिया भाई. फ्लाइंग टूर्नामेंट ये काफी अच्छा योगदान रहा है इसमें हमारे सभी दर्शकों का. मैं एक बार जितने इसमें दर्शकों ने पार्टिसिपेट किए थे उनका तहे दिल से मंडल कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक
अभिनंदन करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म आगे भी बहुत अच्छे लेते रहेंगे आप। कहते पार्टिसिपेट मेंबरों का इसमें सपोर्ट रहा तो कोई भी चीज आगे बढ़ती। एक मिसाल है, क्रिकेट अगर से विराट कोहली अकेला खेलता है, अकेला है तो वो कुछ काम करिए जब तक पूरी टीम उसका साथ ही देगी। इसी तरह हमारी कमेटी को आपका साथ रहेगा तो हम आगे और बढ़ाएंगे और इससे भी अच्छा टूर्नामेंट लेके बताएंगे आपसे। और मैं आगे का आपको योगदान के लिए हमारे बाबा भाई से गुजारिश करूंगा कि वो दो शब्द बोले। भाई लोग, आप सब जानते हैं कि टूर्नामेंट जो लिया गया था ये बडनेरा की तरफ से था और इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें रेफरी लोगों की भी बहुत मेहनत रही। सभी कबूतर स्पर्धा में जो भाग लिया था उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छी तरह कबूतरबाजी बताया। पिछले सालों के तरह से इस साल में जो कबूतरों की उड़ान हुई माशाल्लाह बहुत ऊँची हुई और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ऊँची होगी। सिर्फ इसमें कोई गुरूर घमंड ना रखे, एक दूसरे को साथ में लेके चले या किसी का नंबर लग रहा है तो ये सोच लिए कि भाई उसने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लक का खेल है, सब किस्मत का खेल है। वक्त पे क्या हो जाए किसको कोई बता नहीं सकते, इसलिए सिर्फ दिल में रंजिश ना रखे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करके चले। इसी में ही सबकी और कबूतर की शान है। तो बस यही मैं अपने दो शब्द खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कौमी एकता का शौक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई, ये वाला शौक है। इसी तरह से मैं कड़ू भाई को शेर के साथ आवाज दूंगा, जो दोनों को अलग समझ बैठा है नादान है साहब, जो दोनों को अलग बैठा है समझ बैठा है नादान है साहब, जिसे अल्लाह कहते हैं वही भगवान है साहब, यहाँ हिंदू भी है सिख भी है ईसाई भी, इसे कुछ और मत कहो ये हिंदुस्तान है साहब। भाई सब भाई को अपना राम राम और सब भाई अपने एक साथ में है और ऐसा ही सुख रहे और ना कोई झगड़े और कोई ऐसा नहीं करना कि भाई हिंदू नहीं ऐसा करे और वैसा करे। सब अपने सब दोस्त भाई है और सबको लेके चलना है आने वाले साल में और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन टूर्नामेंट लेंगे बोलते भाई, और बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट में सहयोग रहे इनका भी और ताकि इसके साथ में बहुत सहयोग करेंगे। शुक्रिया आपका कड़ू भाई। इसी तरह पार्टिसिपेंटों का मेंबरों का हमारे को सपोर्ट रहेगा तो इससे भी बेहतरीन टूर्नामेंट इंशाल्लाह अगले साल देखने को मिलेगा। आपके सपोर्ट से सहयोग से आगे बढ़ेगा। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशा कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवारी जाती है जिंदगी। तो भाई एक मेहनत पे मैं कहूँगा क्या, जो शख्स मेहनत करूँगा उसकी कबूतर उड़ेंगी। ढोक एक अलग चीज़ है, काम एक अलग चीज़ है कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशा कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवारी जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर ताला नहीं जाता। क्या आज मौसम अच्छा है कल मौसम खराब है, जो तकदीर में है इसी तरह मेहनत करना पड़ेगा। अकरम भाई दो शब्द बोला। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। भाई ये कबूतर बाजी एक ऐसी चीज है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो भाई अपन कितने भी दिन हो गए तो अपन ये प्लेटफॉर्म को छोड़ ही नहीं सकते क्या। और भाई ये जो टूर्नामेंट हुआ है अपने बाबा अलमाज टूर्नामेंट एक नंबर टूर्नामेंट हुआ है, बाकी जितने भी टूर्नामेंट हुए सभी सक्सेस हुए अच्छे हुए। शुक्रिया भाई आपका। इसी के साथ लल्ला भाई से गुजारिश है कि वो डाइस के ऊपर तशरीफ लाए। लल्ला भाई शुरू होते हुए कि कश्ती तेरा सोनू भाई तूफान अमरावती, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया,
और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। सोनू भाई से गुजारिश है कि 2 मिनट डेस्क के ऊपर तशरीफ लाए। सोनू तूफान 2 मिनट आइए आप और वापस चले जाइए। आगे का कार्यक्रम बढ़ता हुआ, इसमें हमारे पप्पू भाई अमरावती और शाहनवाज भाई का कहना है कि मंडल कमेटी का हम सत्कार करते, तो आपकी भी ये मुद्दा रखे गए, ठीक है कि आप मंडल कमेटी का सत्कार करो। ये मंडल कमेटी की मेहनत है कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो। इजाजत है आपको। इसी तरह वसीम भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस के ऊपर तशरीफ लाए। वसीम भाई का सत्कार शाहनवाज भाई करेंगे। मेरे इसी तरह अजीत भाई से गुजारिश है कि डाइस के ऊपर तशरीफ लाए। मैं पप्पू भाई अमरावती इनसे गुजारिश करूंगा कि अजीत भाई का सत्कार करें। भाई तालियों में कभी ना। और इसके बाद समीर भाई वो डाइस के ऊपर तशरीफ लाए और अंकुश भाई कड़ू ये इनका सत्कार करेंगे। और हमारे सुपियान का सत्कार जावेद भाई करेंगे। इसी तरह हमारे परवेश का सत्कार बाबा भाई करेंगे। इमरान भाई से गुजारिश है कि तशरीफ लाए। आमिर भाई का सत्कार करेंगे इमरान भाई। और इसी तरह सत्कार समारोह यहाँ पे समाप्त होता हुआ और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। कुछ ही समय में पूरे 92 लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 3 लोगों का नंबर लग चुका है और सभी पार्टिसिपेटों ने हमारा बहुत अच्छे से सहयोग किया, कॉर्पोरेट किए और जिसमें से जाके 3 लोगों का नंबर इसमें बैठा है। इस तरह जो हमारे तीसरे नंबर पे बैठे हैं लल्ला भाई 243, तीसरा इनाम इन्होंने प्राप्त किया। मैं गुजारिश करूंगा लल्ला भाई से कि वो डाइस के ऊपर तशरीफ लाए। इनका टाइमिंग है 2:43। और मैं मंडल कमेटी के समीर भाई, गोलू भाई और राजा से गुजारिश करूंगा कि तीनों लोग इनको प्राइज दें। मेरी पहुंच मेरी पहचान पर नजर रखना, तुम अपने गांव में रखते थे भेड़ियों पे नजर, ये शहर है यहां इंसान पर नजर रखना। ये तीसरा इनाम बैठा है लल्ला भाई 2:43, ये तीसरे इनाम के हकदार है। भाई ताइयों में कमी ना।
इसी तरह हेलो इसी तरह मैं शोभा के अमरावती से गुजारिश करूंगा कि जालिंदा का सत्कार करें। उसी तरह पप्पू भाई का स्वागत करेंगे। भाई भाई दो मिनट अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है भाई। जावेद भाई के समर्थन में सूर्य जी के दो मिनट रुको। मंडल कमेटी को आपको कैच देना है अभी, फिर आप आपका एंजॉय करना। दो मिनट सिलाबा